प्रिय विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। मैं हूं भोराराम, एसोसिएट प्रोफेसर एंड ऑफिस सिटिंग प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। क्वांटम मैकेनिक्स ई कंटेंट की इस श्रृंखला में हम पढ़ रहे थे मोशंस ऑफ ए पार्टिकल्स इन वन डायमेंशनल बॉक्स, यानी एक विमीय बॉक्स में कण की गति के बारे में पढ़ा, जिसमें आपको ये बताया था कि एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू ए पर जो विभव प्राचीर है वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी अनंत होती है, उसको कण पार नहीं कर पाता है, तो वह उन दोनों प्राचीरों के बीच में सरल आवर्त गति करता है। तो उसके लिए अपने तरंग फलन का सूत्र निकाला था साई इक्वल टू ए साइन के एक्स, और ऊर्जा का जो सूत्र निकाला था उसमें क्या था, पाई स्क्वायर एस स्क्वायर टू एम ए स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। और अपने ये भी पढ़ा था कि ऊर्जा क्वांटिकृत होती है, ए समान पद एन स्क्वायर ए इक्वल टू वन ई वन इफ, फिर ई टू की जगह वैल्यू आएगी आपके 4e1 9e1 16e1, तो ऊर्जा उसकी क्वांटिकृत होती है। वो सिंगल पार्टिकल्स के लिए था, यानी उसकी ऊर्जा जो फॉर्मूला था वो क्या था, पाई स्क्वायर एस स्क्वायर टू एम ए स्क्वायर था। अब इसको अपन थ्री डायमेंशनल बॉक्स के लिए अपन इसको जनरलाइज करेंगे, उसका सामान्यीकरण करेंगे, यानी आपके पास सिंगल वन डायमेंशनल बॉक्स है उसको थ्री डायमेंशनल बॉक्स में वो फॉर्मूले कैसे आएंगे। तो अपन कहेंगे कि अपना जो थ्री डायमेंशनल बॉक्स है उसकी जो साइड है वो ए बी और सी है। ये ए बी जी साइडें हैं वो दृढ़ दीवार की भांति व्यवहार करेगी और इसमें कण गति करेगा। तो अब आप देखिए कि जो k अपना फॉर्मूला है वो n पाई बटा a था, k स्क्वायर अपना 2me अपन s प्लस स्क्वायर अपन जानते हैं, और साई इक्वल टू ए साइन n पाई बाई a इंटू x है, और a की वैल्यू हमने निकाली थी अंडर रूट 2/a। अब अपन देखेंगे कि चूंकि p इक्वल टू क्या होता है, h क्रॉस a होता है, p इक्वल टू h अपन लैम्ब्डा उसे ही निकलता है, तो h क्रॉस और k की वैल्यू अपन ने क्या रखी, n पाई बाई a रखा, तो क्या होगा n बाहर निकाल दिया, पाई एच क्रॉस बाई ए हो गया। अब अपन पी एक्स निकालेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, एन एक्स भी लिख सकते हैं, अपने वन लिख दिया एन वन पाई एच क्रॉस अपन ए, पी वाई बराबर क्या लिखा, एन टू पाई एच क्रॉस बटा पी, पी जेड क्या होगा, एन थ्री पाई एच क्रॉस बटा सी। ये पी एक्स पी वाई पी जेड ये क्या है, संवेग है कण के जो अलग अलग एक्स वाई और जेड की संवेग। अब उसकी कण की ऊर्जा क्या होगी, सिंगल वन डायमेंशनल थी तो अपना पी स्क्वायर अपॉन टू एम जो क्या आई थी, पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन टू एम अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ क्या करेंगे अपन, टू एम पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर और पी जेड स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे अपन, पी एक्स की वैल्यू क्या है, ये पी टू पी वाई की ये और पी जेड की ये अपन रखेंगे मान। तो ये मान रखा था एन वन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच प्लस स्क्वायर अपन ए स्क्वायर है, यहाँ क्या आएगा एन टू स्क्वायर पाई एच प्लस स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस एन थ्री स्क्वायर पाई एच प्लस स्क्वायर बटा सी स्क्वायर है। इसमें से जो कॉमन आता है वो है पाई स्क्वायर एच प्लस स्क्वायर बटा दो एम, यहाँ से क्या बचेगा एन वन स्क्वायर बटा ए स्क्वायर एन टू स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस एन थ्री स्क्वायर बटा सी स्क्वायर। तो अपने ये थ्री डायमेंशनल में एनर्जी निकाल दी, जबकि अपने पास क्या थी, पाई स्क्वायर एच प्लस स्क्वायर टू एम अपॉन इंटू एन, एन स्क्वायर था और नीचे ए स्क्वायर था, तो अपने ये थ्री डायमेंशनल में निकाला। अब अपन तरंग फलन निकालेंगे जो वन डायमेंशनल में ये था, तो थ्री डायमेंशनल में क्या होगा, जैसे ये एक्स था तो ये एक्स वाई जेड, साई वन एक्स साई टू वाई और साई थ्री जेड, इसमें अपन वैल्यू रखें जैसे ए एक्स साई एन वन पाई एच क्रॉस बाई ए और ए टू साइन एन टू पाई एच क्रॉस बी इंटू वाई, ए जेड साइन एन टू पाई एच क्रॉस सी इंटू जेड, ये इसके अनुसार निकाल। यहाँ अपने ए बी लिखेंगे तो वाई आएगा, सी लिखेंगे तो जेड आएगा, तो ऐसे तीनों फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब अपन क्या करेंगे, ए की वैल्यू क्या होगी अंडर टू बाई ए, ए वाई की वैल्यू क्या होगी अंडर टू बाई बी, एन जेड की वैल्यू क्या होगी अंडर टू बाई सी, इसके अनुसार तो अपना क्या होगा अंडर रूट एट बी सी साइन एन वन पाई एच क्रॉस ए इंटू एक्स साइन एन टू पाई एच क्रॉस बी इंटू वाई साइन एन थ्री पाई एच क्रॉस जेड इंटू पाई पाई सी इंटू जेड। अब अपन इसको कॉन्स्टेंट लिखा दीजिए, अपना ए साइन एन वन पाई एच क्रॉस बाई ए इंटू एक्स साइन एन टू पाई एच क्रॉस बाई बी इंटू वाई साइन एन थ्री पाई एच क्रॉस बाई सी इंटू जेड। तो ये अपने जनरलाइज हो गया, यानी थ्री डायमेंशनल में ये एनर्जी हो गई और ये तरंग फलन हो गया। अब अपन क्या करेंगे कि ये तो अपना थ्री डायमेंशनल क्यूबॉइड के लिए था, अब क्यूबिकल के लिए तो उसकी सभी साइडें क्या होती है, इक्वल होती है,
ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो अब अपन इस फॉर्मूले में लिखेंगे ये भी ए आएगा, ये भी ए आएगा, ये भी आएगा, जैसे ए को अपन कॉमन ले लेंगे तो पाई स्क्वायर एस प्लस टू एम ए स्क्वायर एन वन स्क्वायर एन टू स्क्वायर एन थ्री स्क्वायर, ये कॉन्स्टेंट आएगा, इसको अपने गामा स्क्वायर लिख दिया, तो ये अपनी ऊर्जा, ये थ्री डायमेंशनल। अब अपन ये कहते हैं कि एक ही ऊर्जा स्तर, एक ही ऊर्जा स्तर में वाले बहुत से तरंग फलन होते हैं, बहुत से स्वतंत्र तरंग फलन होते हैं, तो उसको कहते हैं ऊर्जा स्तरों की अपपृष्ठता, इंग्लिश में कहते हैं डीजनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल, यानी एक ही ऊर्जा स्तर के एक से अधिक मुक्त फलन होते हैं तो वह ऊर्जा स्तर क्या कहलाते हैं, अपपृष्ठ कहलाते हैं, या अपन निकालना चाहते हैं कि डिग्री ऑफ जनरेसी, डीजनरेसी ऊर्जा स्तर की डिग्री कैसे निकालेंगे कि तरंग फलनों की संख्या कितनी है या उसमें ऊर्जा स्तर कितने बनते हैं, तो ऊर्जा स्तरों की अपृष्ठता की कोटि अपन निकालना चाहेंगे। इसमें से देखिए, जैसे मान लीजिए अपन का एन वन की वैल्यू भी एक है, एन टू की भी एक है और एन थ्री भी एक है, जिसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, वन वन वन। आप इसके और कॉम्बिनेशन बनाना चाहेंगे तो नहीं बनेंगे, ऊर्जा क्या आएगी, एन वन स्क्वायर वन वन वन, तो थ्री हो जाएंगे, तो थ्री इंटू ई वन, तो इसकी क्या होगी, एक ही कॉम्बिनेशन है, इसकी डिजनरेसी कितनी होगी, एक होगी, यानी वह ऊर्जा स्तर क्या होगा, एक ही उसका मुक्त अनुकूलन होगा और उसकी डिजनरेसी एक होगी। अब देखिए एन वन एक, एन टू एक और एन थ्री दो है, तो कॉम्बिनेशन कितने होंगे, वन वन टू, वन टू वन और टू वन वन, तीन कॉम्बिनेशन होगा, तो डी जनरेसी कितनी हो जाएगी, थ्री हो जाएगी, और एनर्जी क्या हो जाएगी, इसमें रखेंगे वन का वन, वन का वन वन, वन और वन टू और टू का स्क्वायर फोर, तो कितनी हो जाएगी, सिक्स इवन हो जाएगी। अब देखिए आपके पास वन टू टू है, तो इसके भी तीन कॉम्बिनेशन होंगे, वन टू टू, टू वन टू, टू 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 वन, टू वन, तो फोर फोर और वन नाइन हो जाएंगे, नाइन इवन, और डी जनरेसी कितनी होगी, एक दो और तीन, यानी इस कॉम्बिनेशन के लिए ऊर्जा वही आएगी, इस कॉम्बिनेशन के लिए भी ऊर्जा वही आएगी, इस कॉम्बिनेशन की ऊर्जा वही आएगी। अब देखिए वन वन थ्री है, तो भाई आपके क्या होगा, वन वन थ्री, वन थ्री वन, थ्री वन वन, अब ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो अपने क्या आएगा, इलेवन इवन आएगी, उसकी ऊर्जा इलेवन टाइम्स ऑफ हो जाएगी, और इसकी डिजनरेसी कितनी होगी, एक दो और तीन। अब देखिए एन वन की टू, एन टू की टू और एन थ्री की टू है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका कॉम्बिनेशन एक ही होगा, इसकी डिजनरेसी एक होगी और एनर्जी क्या होगी, ट्वेल्व इवन हो जाएगी, चार चार चार, इसलिए इस पर जाएंगे ना, चार चार चार, तो आठ और तीन चार बारह। अब यदि वन टू थ्री है, तो इसके कॉम्बिनेशन क्या होंगे, वन टू थ्री, वन थ्री टू, टू टू वन, थ्री टू थ्री वन, ऐसे ऐसे छः कॉम्बिनेशन होंगे, इसकी डिजनरेसी क्या होगी, आपकी छः होगी, और एनर्जी क्या होगी, इसकी मूल ऊर्जा की सबसे गुणा ज़्यादा होगी, फोर्टीन टाइम्स। तो अब अपन ये कहेंगे एक ही ऊर्जा स्तर, एक ही ऊर्जा स्तर के एक से अधिक तरंग फलन होते हैं तो वे ऊर्जा स्तर के कहते हैं अपपृष्ठ। अब यदि तीनों सेम है, एन वन बराबर एन टू बराबर एन थ्री, तीन सबकी ऊर्जा क्या आएगी, समान आएगी और कॉम्बिनेशन आपका एक मिलेगा, तो ये नॉन डिजनरेट होगा, यानी इसमें और अधिक तरंग फलन नहीं होगा, वो तरंग फलन एक ही होगा और उसकी ऊर्जा क्या आएगी, समान आएगी। अब इसको अपन डिजनरेसी को देखें कि जैसे मान लीजिए ये आपका मूल ऊर्जा स्तर था, अब वन 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 है तो वन इसकी डिजनरेसी वन है, अब आपकी यदि डिजनरेसी तीन है तो एनर्जी क्या होगी, सिक्स इवन हो जाएगी, तो इसी हिसाब से देखा आपने वन डिजनरेसी वन थ्री 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 वन और सिक्स, उसके हिसाब से एनर्जी है, एक है बराबर है तीन 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 का, फिर आगे ये दो दो का हो रहा है, तो इस प्रकार इसमें क्या होता है कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है यदि पार्टिकल्स थ्री डायमेंशनल बॉक्स में है। तो अब आपने ये पढ़ा था ऊर्जा स्तरों की अपपृष्ठता, अब आपको थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं। देखें कि आपने वन डायमेंशनल बॉक्स में फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, उसको अपन को जनरलाइज करना है, प्रसामान्यकरण करना है, या उसको अपन को व्यापीकरण करना है, जनरलाइज करना है, सामान्यकरण करना है। तो वन से अपन को थ्री में कैसे पहुंचना था, अपने एक भुजा थी, साइड थी ए, अब तीन साइड क्या हो जाएगी, ए बी सी। अब इसमें क्या होगा कि आपका जैसे फॉर्मूला ये था पी का, तो अब अपने पी एक्स पी वाई और पी जेड लेंगे, और एनर्जी क्या आएगा, पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर और पी जेड स्क्वायर आएगा, ये वैल्यू रखेंगे तो अपना ई आ जाएगा। अब आपका तरंग फलन को थ्री डायमेंशनल कैसे देखेंगे, ई अपना एक्स वाई और जेड, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे,
तो ये x, y और z आया, ये वैल्यू रखेंगे और ये कॉन्स्टेंट आएगा, तो इसमें तीनों फंक्शन आएंगे, तीन फंक्शन आएंगे, एक, दो और तीन। तो ये जनरलाइज हो गया, वन डायमेंशनल टू थ्री डायमेंशनल। अब अपन एनर्जी निकालते हैं, तो ये देखिए एनर्जी का फॉर्मूला ये आया और वेव फंक्शन का ये आया। अब क्योंकि गर्व के लिए अपन निकालेंगे, तो ये अपना क्या आएगा, टू एम अपन एस, जो वन डायमेंशनल बॉक्स है उस पर ही आया था, ये अपन एन स्क्वायर लिखते थे उसमें, और इसमें क्या लिखेंगे, एन स्क्वायर, एन टू स्क्वायर, एन थ्री स्क्वायर, और शायद अपना ये आया। अब अपन कहते हैं कि भाई डी जनरेसी क्या होती है, तो अपन कहेंगे कि एक ही ऊर्जा स्तर वाले बहुत से मुक्त तरंग फलन होते हैं, तो उन तरंग फलनों की जो संख्या होती है वो, जब वो ऊर्जा स्तर होते हैं वो डिजेनरेट होते हैं, और तरंग फलनों की संख्या क्या होती है, उसकी डिग्री ऑफ डिजेनरेसी होती है। अब अपन कहेंगे कि जैसे वन 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 कम्बिनेशन में ये अपना एनर ये है, तो संयोजन आपका यही होगा, ऊर्जा आपकी, एनर्जी इतनी आएगी, तो इसके एक ही कम्बिनेशन में डिजेनरेशन एक आएगी। तीन कम्बिनेशन में वन टू थ्री, इन तीनों की ऊपर वैल्यू रखेंगे तो एनर्जी सेम आएगी, तो तीनों तरंग फलन क्या हो जाएंगे, तीन तरंग फलन हो जाएंगे, उनकी ऊर्जा समान होगी, तो ये इसकी डिजेनरेशन तीन हो जाएगी। यहाँ पर भी क्या है, इसीलिए तीन कम्बिनेशन है, इसमें भी आपने तीन कम्बिनेशन, इसमें एक ही कम्बिनेशन है, एक कम्बिनेशन है तो डिजेनरेसी आपकी एक ही होगी, यानी एक ही ऊर्जा स्तर होगी, इसको बदलेंगे तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि वन टू थ्री है, इसके छः कम्बिनेशन होंगे, इसकी डिजेनरेसी क्या होगी, छः होगी, छः से अलग तरीकों से है, इसका क्या होगा, एक ही ऊर्जा स्तर के एक से अधिक तरंग फलन होते हैं, तो ऊर्जा स्तर क्या होता है, डिजेनरेट होता है। इसको अपन यदि एनर्जी के रूप में लिखें तो थ्री वन सिक्स नाइन या इलेवन ट्वेल्व बढ़ते हैं, तो देखिए दो का फर्क है, फिर ये एक का आया, इस प्रकार अपन वन डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल जनरलाइज करते हैं। धन्यवाद।